आज आपको मैं SSC फीस नहीं का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना ये बताने वाला हूँ। आपको गूगल पर जाकर SSC.net कैसे टाइप करना है, इस पेज पर आने के बाद आपको एडमिट कार्ड पर डाउनलोड करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी आने वीडियो आप देख सकें। तो आप स्क्रीन पर देख सकें, आप यहाँ पर रीजन देखे हो, जितने भी रीजन है उतने आप जिस रीजन में अप्लाई किया उस रीजन में आपको क्लिक करना है। मैं एग्जाम के तौर पर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कर्नाटक रीजन के लिए, ठीक है। और जिस यहाँ पे जिक्र होगा तो आपको स्क्रीन पर एक ऐसी स्क्रीन लगेगी, वहाँ पे आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल और फिर मैट्रिकुलेशन लेवल पर देखना है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का आपको दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडमिट कार्ड वैसे डाउनलोड करना है, ऐसे लिंक दिखा रहेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप एक पेज आओगे जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चर या फिर ऐसा बॉक्स दिखा देगा और आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखा देगा एडमिट कार्ड का, तो आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर दिखा देगा, आपको दिखा देगा स्क्रीन पर कुछ इस तरह, आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड किस एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम प्लेस, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या क्या है, आपका फ़ोटो, ये सब वहाँ पर दिखाई देगा वहाँ। और वहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन मार्क कितने के हैं वो सब आपको दिखाई देगा। ये आपको 40 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और साथ ही में आपको COVID-19 का जो एक फॉर्म रहता है वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।